ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। हे सदगुरु, हे साईं, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हे बाबा, श्री साईं सचरित्र का अध्याय 25 जिसका अध्ययन होने जा रहा है, कृपा कर आशीर्वाद दें कि यह अध्याय सभी के चित्त में उतरे, सभी को उसका लाभ हो। आइए अब हम शुरू करते हैं अध्याय 25, जिसमें पहले दिया है दामू अण्णा कासार, अहमदनगर के रुई और अनाज के सौदे। दूसरा आम्रलीला प्रार्थना। आइए प्राकथन। जो अकारण ही सभी पर दया करते हैं तथा समस्त प्राणियों के जीवन वे आश्रयदाता हैं, जो पार ब्रह्म के पूर्ण अवतार हैं, ऐसे अहेतुक दया सिंधु और महान योगीराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर अब हम यह अध्याय आरंभ करते हैं। श्री साईं की जय हो। वे संत चूड़ामणि समस्त शुभ कार्यों के लिए उद्गम स्थान और हमारे आत्माराम तथा भक्तों के आश्रयदाता हैं। हम उन साईनाथ की चरण वंदना करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का अंतिम ध्येय प्राप्त कर लिया है। श्री साईं बाबा अनिवर्चनीय प्रेम स्वरूप हैं। हमें तो केवल उनके चरण कमलों में दृढ़ भक्ति ही रखनी चाहिए। जब भक्त का विश्वास, दृढ़ और भक्ति परिपक्व हो जाती है तो उसका मनोरथ भी शीघ्र ही सफल हो जाता है। जब हेमाडपंत को श्री साईं सचरित्र तथा साईं लीलाओं के रचने की तीव्र उत्कंठा हुई तो बाबा ने तुरंत ही वह पूर्ण कर दी। जब उन्हें स्मृति पत्र यानी नोट्स इत्यादि रखने की आज्ञा हुई तो हेमाडपंत में स्फूर्ति, बुद्धिमता, शक्ति तथा कार्य करने की क्षमता स्वयं ही आ गई। वे कहते हैं कि मैं इस कार्य के सर्वदा अयोग्य होते हुए भी श्री साईं के शुभाशीर्वाद से इस कठिन कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हो सका। फलस्वरूप यह ग्रंथ श्री साईं सचरित्र आप लोगों को उपलब्ध हो सका, जो एक निर्मल स्रोत या चंद्रकांत मणि के ही सदृश है, जिसमें से सदैव साईं लीलारूपी अमृत झरा करता है, ताकि पाठक गण जी भर कर उसका पान करें। जब भक्त पूर्ण अंतःकरण से श्री साईं बाबा की भक्ति करने लगता है तो बाबा उसके समस्त कष्टों और दुर्भाग्यों को दूर कर स्वयं उसकी रक्षा करने लगते हैं। अहमदनगर के श्री दामोदर सामलराम रासने कासार की निम्नलिखित कथा उपयुक्त कथन की पुष्टि करती है। दामू अण्णा, पाठकों को स्मरण होगा कि इन महाशय का प्रसंग 6वें अध्याय में शिरडी के रामनवमी उत्सव के प्रसंग में आ चुका है। ये लगभग सन 1895 में शिरडी पधारे थे, जबकि रामनवमी उत्सव का प्रारंभ ही हुआ था और उसी समय से वे एक जरीदार बढ़िया ध्वज उस अवसर पर भेंट करते तथा वहां एकत्रित गरीब भिक्षुकों को भोजन आदि कराया करते थे। दामू अण्णा के सौदे। पहला, रुई का सौदा। दामू अण्णा को बंबई से उनके एक मित्र ने लिखा कि वह उनके साथ साझेदारी में रुई का सौदा करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 2 लाख रुपयों का लाभ होने की आशा है। सन 1936 में नरसिंह स्वामी को दिए गए एक वक्तव्य में दामू अण्णा ने बतलाया कि रुई के सौदे का यह प्रस्ताव बंबई के एक दलाल ने उनसे किया था, जो कि साझेदारी से हाथ खींचकर मुझ पर ही सारा भार छोड़ने वाला था। भक्तों के अनुभव भाग 11 पृष्ठ 75 के अनुसार दलाल ने लिखा था कि धंधा अति उत्तम है और हानि की कोई आशंका नहीं, ऐसे स्वर्णिम अवसर को हाथ से ना खोना चाहिए। दामू अण्णा के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे, परंतु स्वयं कोई निर्णय करने का साहस वे ना कर सके। उन्होंने इस विषय में कुछ विचार तो अवश्य कर लिया, परंतु बाबा के भक्त होने के कारण पूर्ण विवरण सहित एक पत्र श्यामा को लिख भेजा, जिसमें बाबा से परामर्श प्राप्त करने की प्रार्थना की। यह पत्र श्यामा को दूसरे ही दिन मिल गया, जिसे दोपहर के समय मस्जिद में जाकर उन्होंने बाबा के समक्ष रख दिया। श्यामा से बाबा ने पत्र के संबंध में पूछताछ की। उत्तर में श्यामा ने कहा कि अहमदनगर के दामू अण्णा कासार आपसे कुछ आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि
वही इस पत्र में क्या लिखा है और उसने क्या योजना बनाई है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आकाश को छूना चाहता है। उसे जो कुछ भी भागवत कृपा से प्राप्त है वह उससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पत्र पढ़कर सुनाओ। श्यामा ने कहा, जो कुछ आपने अभी कहा वही तो पत्र में भी लिखा हुआ है। हे देवा, आप यहाँ शांत और स्थिर बैठे रहकर भी भक्तों को उद्विग्न कर देते हैं और जब वे अशांत हो जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षित कर किसी को प्रत्यक्ष तो किसी को पत्रों द्वारा ही यहाँ खींच लेते हैं। जब आपको पत्र का आशय विदित ही है तो फिर मुझे पत्र पढ़ने को क्यों विवश कर रहे हो। बाबा कहने लगे कि श्यामा, तुम तो पत्र पढ़ो, मैं तो ऐसे ही अनाप शनाप बकता हूँ, मुझ पर कौन विश्वास करता है। तब श्यामा ने पत्र पढ़ा और बाबा उसे ध्यानपूर्वक सुनकर चिंतित हो कहने लगे कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सेठ यानी दामू अण्णा पागल पागल हो गया है। उसे लिख दो कि उसके घर किसी वस्तु का अभाव नहीं है, इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतोष कर लाखों के चक्कर से दूर ही रहना चाहिए। श्यामा ने उत्तर लिखकर भेज दिया, जिसकी प्रतीक्षा उत्सुकतापूर्वक दामू अण्णा कर रहे थे। पत्र पढ़ते ही लाखों रुपयों के लाभ होने की उनकी आशा पर पानी फिर गया। उन्हें उस समय ऐसा विचार आया कि बाबा से परामर्श कर उन्हें भूल की है, परंतु श्यामा ने पत्र में संकेत कर दिया था कि देखने और सुनने में फर्क हुआ करता है, इसलिए श्रेष्ठकर यही होगा कि स्वयं श्रीडी आकर बाबा की आज्ञा प्राप्त करो। बाबा से स्वयं अनुमति लेना उचित समझकर वे श्रीडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरण सेवा की, परंतु बाबा के सम्मुख सौदे वाली बात करने का साहस वे ना कर सके। उन्होंने संकल्प किया कि यदि उन्होंने कृपा कर दी तो इस सौदे में से कुछ लाभांश उन्हें भी अर्पण कर दूंगा। यद्यपि यह विचार दामू अण्णा बड़ी गुप्त रीति से अपने मन में कर रहे थे, तो भी त्रिकालदर्शी बाबा से क्या छिपा रह सकता था। बालक तो मिष्ठान मांगता है, परंतु उसकी माँ उसे कड़वी औषधि देती है, क्योंकि मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और इस कारण वह बालक के कल्याणार्थ उसे समझा बुझाकर कड़वी औषधि पिला दिया करती है। बाबा एक दयालु माँ के समान थे, वे अपने भक्तों का वर्तमान और भविष्य जानते थे, इसीलिए उन्होंने दामू अण्णा के मन की बात जानकर कहा कि बापू, मैं अपने को इस सांसारिक झंझटों में फंसाना नहीं चाहता। बाबा की अस्वीकृति जानकर दामू अण्णा ने यह विचार त्याग दिया। अब दूसरी कथा पढ़ते हैं, अनाज का सौदा। तब उन्होंने अनाज, गेहूं, चावल आदि अन्य वस्तुओं का धंधा आरंभ करने का विचार किया। बाबा ने इस विचार को भी समझकर उनसे कहा कि तुम रुपए का 5 शेर खरीदोगे और 7 शेर को बेचोगे, इसलिए उन्हें इस धंधे का भी विचार त्यागना पड़ा। कुछ समय तक तो अनाज का भाव चढ़ता ही गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि संभव है बाबा की भविष्यवाणी सत्य निकले, परंतु 2-1 मास के पश्चात ही सब स्थानों पे पर्याप्त वृष्टि हुई, जिसके फलस्वरूप भाव अचानक ही गिर गए और जिन लोगों ने अनाज संग्रह कर लिया था उन्हें यथेष्ट हानि उठानी पड़ी। पर दामू अण्णा इस विपत्ति से बच गए। यह कहना व्यर्थ ना होगा कि रुई का सौदा, जो कि उस दलाल ने अन्य व्यापारी की साझेदारी में किया था, उसमें उसे अधिक हानि हुई। बाबा ने उन्हें बड़ी विपत्तियों से बचा लिया है। यह देखकर दामू अण्णा का साईं चरणों में विश्वास दृढ़ हो गया और वे जीवन पर्यंत बाबा के सच्चे भक्त बने रहे। अगला है आम्रलीला। एक बार गोवा के मामलतदार ने, जिसका नाम राले था, लगभग 300 आमों का एक पार्सल श्यामा के नाम शिरडी भेजा। पार्सल खोलने पर प्रायः सभी आम अच्छे निकले। भक्तों में इनके वितरण का कार्य श्यामा को सौंपा गया। उनमें से बाबा ने 4 आम दामू अण्णा के लिए पृथक निकाल कर रख दिए। दामू अण्णा की 3 स्त्रियां थीं, परंतु अपने दिए हुए वक्तव्य में उन्होंने बताया कि उनकी केवल 2 ही स्त्रियां थीं। वे संतानहीन थे, इस कारण उन्होंने अनेक ज्योतिषियों से इसका समाधान कराया और स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन कर ज्ञात कर लिया कि जन्म कुंडली में एक पाप ग्रह के स्थित होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का सुख देखने का कोई योग नहीं है। परंतु बाबा के प्रति तो उनकी अटल श्रद्धा थी।
पार्सल मिलने के 2 घंटे पश्चात ही वे पूजनार्थ मस्जिद में आए। उन्हें देखकर बाबा कहने लगे कि लोग आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं, परंतु ये 2 दामों के हैं, जिसके हैं उन्हीं को खाने दो और मरने दो। इन शब्दों को सुन दामू अण्णा के हृदय पर वज्राघात सा हुआ, परंतु महालसापति शिरडी के भक्त उन्होंने समझाया कि इस मृत्यु का शब्द का अर्थ अहंकार के विनाश से है और बाबा के चरणों की कृपा से तो यह आशीर्वाद स्वरूप है। तब वे आम खाने को तैयार हो गए। इस पर बाबा ने कहा कि वे तुम ना खाओ, उन्हें अपनी छोटी स्त्री को खाने दो। इन आमों के प्रभाव से उसे 4 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न होंगी। यह आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने वे आम ले जाकर अपनी छोटी स्त्री को दिए। धन्य है श्री साई बाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य विधान पलटकर उन्हें संतान सुख दिया। बाबा की स्वेच्छा से दिए वचन सत्य हुए, ज्योतिषों के नहीं। बाबा के जीवन काल में उनके शब्दों ने लोगों में अधिक विश्वास और महिमा स्थापित की, परंतु महान आश्चर्य है कि उनके समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनका प्रभाव पूर्ववत ही रहा। बाबा ने कहा कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी, फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे, निराश न होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ ही चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। आइए पढ़ते हैं प्रार्थना। एक प्रार्थना कर हेमाड पंत यह अध्याय समाप्त करते हैं। हे साईं सद्गुरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति ना हो, आपके श्रीचरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल ना हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से इस संसार में अधिक दुखी हैं। अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही हैं, उनकी बाह्य प्रवृत्ति से रक्षा कर उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो। जब तक हमारा इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब तक आत्म साक्षात्कार की हमें कोई आशा नहीं है। हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम ना आएंगे। हे साईं, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे। हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारी जिव्या सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेती रहे। हे साईं, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमें अपने शरीर और अपने ग्रह में आसक्ति ना रहे। हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारे मन की अशांति को दूर कर उसे स्थिर और शांत करो। हे साईं, यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र ही दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। यह जो तुम्हारा लीलामृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ तथा जिसने हमें अखंड निद्रा से जागृत कर दिया है, यह तुम्हारी ही कृपा और हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल है। विशेष इस संबंध में श्री दामू अण्णा के उपरोक्त कथन को उद्धृत किया जाता है, जो ध्यान देने योग्य है। एक समय जब मैं अन्य लोगों सहित बाबा के श्री चरणों के समीप बैठा था तो मेरे मन में 2 प्रश्न उठे। उन्होंने उनका उत्तर इस प्रकार दिया। पहला, जो जन समुदाय श्री साईं के दर्शनार्थ शिरडी आता है, क्या उन सभी को लाभ पहुंचता है? इसका उन्होंने उत्तर दिया कि बौर लगे आम वृक्ष की ओर देखो, यदि सभी बौर फल बन जाएं तो आमों की गणना भी ना हो सकेगी। परंतु क्या ऐसा होता है? बहुत से बौर झर कर गिर जाते हैं, कुछ फले और बड़े भी तो आंधी के झकोरों से गिरकर नष्ट हो जाते हैं और उनमें से कुछ ही शेष रह जाते हैं। तो आइए अब दूसरा जानते हैं। दूसरा प्रश्न मेरे स्वयं के विषय में था।
यदि बाबा ने निर्वाण ले लिया तो मैं बिल्कुल ही निराश्रित हो जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा। इसका बाबा ने उत्तर दिया कि जब और जहां भी तुम मेरा स्मरण करोगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इन वचनों को उन्होंने सन 1918 के पूर्व भी निभाया और सन 1918 के पश्चात आज भी निभा रहे हैं। वे अभी भी मेरे ही साथ रहकर मेरा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये घटना लगभग सन 1910-11 की है। उसी समय मेरा भाई मुझसे पृथक हुआ और मेरी बहन की मृत्यु हो गई। मेरे घर में चोरी हुई और पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। इन्हीं सब घटनाओं ने मुझे पागल सा बना दिया था। मेरी बहन का स्वर्गवास होने के कारण मेरे दुख का पारावार ना रहा और जब मैं बाबा के शरण गया तो उन्होंने अपने मधुर उपदेशों से मुझे सांत्वना देकर अप्पा कुलकर्णी के घर पूरनपोरी खिलाई तथा मेरे मस्तक पर चंदन लगाया। जब मेरे घर चोरी हुई और मेरे ही एक 30 वर्षीय मित्र ने मेरी स्त्री के गहनों का संदूक जिसमें मंगलसूत्र और नथ आदि थे चुरा लिए, तब मैंने बाबा के चित्र के समक्ष रुदन किया और उसके दूसरे ही दिन वह व्यक्ति स्वयं गहनों का संदूक मुझे लौटाकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अपरणमस्तु, शुभम भवतु। ओम साई राम।